Hi guys, how are you all? This is Baljeet Kaur. You are watching English Class YouTube channel. Friends, in today's video, we're going to learn about family relations name. हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में जितने भी रिलेशंस होते हैं, उनके नाम हिंदी में हमें पता होते हैं, बट उनके नाम हमें इंग्लिश में भी पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। बिल्कुल इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैमिली यानी परिवार दो तरीके का होता है। एक होता है एकल परिवार, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, और एक होता है संयुक्त परिवार, जिसे हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूक्लियर फैमिली है, जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे साथ रहते हैं, जबकि जॉइंट फैमिली में परिवार काफी बड़ा होता है, जिसमें माता पिता के अलावा दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे भी रहते हैं। परिवार की शुरुआत होती है शादी के साथ, और शादी को इंग्लिश में कहते हैं मैरिज। मैरिज शादी से पहले होती है सगाई। सगाई को हम कहते हैं इंग्लिश में एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, अच्छा, जब सगाई होती है, एंगेजमेंट होती है, तब लड़का लड़की एक दूसरे के हो जाते हैं मंगेतर। मंगेतर को इंग्लिश में बोलते हैं फियोंसे। फियोंसे, लड़का मंगेतर हो चाहे लड़की मंगेतर हो, दोनों को ही इंग्लिश में फियोंसे कहते हैं। लेकिन लिखते वक्त स्पेलिंग्स में डिफरेंस आता है। जो लड़का मंगेतर है उसकी स्पेलिंग FIANCE है, जबकि जो लड़की है उसके लिए आएगा FIANCEE। ठीक है, एक ही एक्स्ट्रा लग जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, शादी के वक्त एक वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा सुनने को, ससुराल वाले को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज। इन लॉज, ससुराल को कहते हैं इन लॉज हाउस। इन लॉज हाउस, वहीं मायके को इंग्लिश में बोला जाता है मैटरनल हाउस। मैटरनल हाउस, अच्छा, ससुराल वाले को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज। वहीं ससुर के लिए स्पेसिफिक वर्ड है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, सास को इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, वहीं पर जेठ, देवर, साला या फिर नंदोई को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, वहीं उसी जगह पर जेठानी को, देवरानी को, साली को या साले की पत्नी को कहा जाता है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, बहू को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, वहीं दामाद को इंग्लिश में कहा जाता है सन इन लॉ। सन इन लॉ, शादी में लड़का लड़की एक दूसरे के हो जाते हैं हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड यानी पति, वाइफ यानी पत्नी। अच्छा, शादी के बाद बच्चे होते हैं घर में, एक बच्चे को कहा जाता है चाइल्ड। चाइल्ड, जबकि एक से ज्यादा अगर बच्चे हों तो उन्हें कहा जाता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, इस बात का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि काफी लोग इस चीज में मिस्टेक करते हैं। लोग चिल्ड्रंस वर्ड यूज करते हैं, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता। एक बच्चे के लिए चाइल्ड वर्ड यूज करते हैं और ज्यादा बच्चों के लिए चिल्ड्रन बोलते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन होने के बाद माँ बाप बन जाते हैं वो लोग। माँ को इंग्लिश में बोलते हैं मदर, और वहीं पिता को इंग्लिश में बोला जाता है फादर। ठीक है, अच्छा, बच्चा अगर लड़का है तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे सन। सन, वहीं लड़की के लिए डॉटर वर्ड यूज करते हैं डॉटर। बच्चे एक दूसरे के हो जाते हैं भाई बहन। भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर, वहीं बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर। अब दादा दादी की बारी आती है। दादा दादी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है ग्रैंड फादर, और दादी के लिए वर्ड यूज होता है ग्रैंड मदर। अच्छा, घर में और भी बहुत लोग होते हैं, जैसे चाचा, ताया, फूफा, तो इन सभी के लिए हम लोग अंकल वर्ड यूज करते हैं अंकल। वहीं चाची, ताई या बुआ के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं आंट। आंट, इनके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं भतीजा या फिर भतीजी। भतीजे को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। नेफ्यू, वहीं भतीजी के लिए वर्ड यूज होता है नीस। नीस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नाना नानी। नाना नानी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स,
अगर आपको स्पेसिफिक होना है, किसी को स्पेसिफिकली बताना है नाना नानी के बारे में, तो आप मेटर्नल वर्ड यूज कर सकते हैं. मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है नाना नानी, वहीं पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी. ठीक है, तो जो भी रिश्ते होते हैं दाद दादके की साइड में, जो दादा वाली साइड में होते हैं, उसके लिए आप पेटर्नल वर्ड यूज करते हैं, और जो नाना वाली साइड में जो भी रिश्ते होते हैं उनके आगे आप मेटर्नल वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि मामा, मामा को भी आप अंकल ही बोलते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल. ठीक है, और मासी को आप बोल सकते हैं मैटरनल आंट, मासी या मामी को मैटरनल आंट बोल सकते हैं. आपने ये वर्ड सुना होगा सौतेला, सौतेला पिता, स्टेप फादर, स्टेप फादर, सौतेली माँ, स्टेप मदर. ऐसे ही सौतेले भाई के लिए आप स्टेप ब्रदर वर्ड यूज करते हैं, और सौतेली बहन के लिए स्टेप सिस्टर. सो गाइज, ये थी फैमिली रिलेशंस नेम. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से लर्न करेंगे. वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. चैनल पर अगर आप नए हैं, ऐसी ही और वीडियोज आप चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. बाय बाय.